हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन राइट डाउन द फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के हमें चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा डिस्कसिंग डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी कि ये क्या ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लो को ओबे करता है तो इट ओबेज इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है हमें कि हमारी जो क्वांटिटी है जैसे कि यहां पे जो फोर्स आ रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऐसे आर स्क्वायर के या बोल सकते हैं प्रोपोर्शनेट होता है वन अपॉन आर स्क्वायर के ठीक है और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर पॉजिटिव इन नेचर ठीक है ये हमेशा नेचर में पॉजिटिव होता है थर्ड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगी कि इट इज द वीकेस्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इन नेचर इट इज द वीकेस्ट नॉन कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इन नेचर और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगी कि इट इज प्रोपोर्शनल इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द टू बॉडी टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ टू बॉडीज ठीक है तो इसको अगर मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें तो एफ जो है प्रोपोर्शनल होगा एम वन एम टू इस प्रोडक्ट के ठीक है तो हम बोल सकते हैं हेंस आर ओवर, आर ओवर, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कैरेक्टर डिस्टिक्स तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक